हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोजेक्ट इवो। एंड फाइनली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड आज की वीडियो में जो है गाइस, हमारा बेस यहाँ पे रेड होगा। एंड आपको लग रहा होगा कि हमारा बेस जो है लास्ट डे के तरह पूरा डिमोलिश्ड हो गया होगा, बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। वो कैसे गाइस, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो है गाइस, यहाँ पे हम लोग येलो रूम करने आए थे क्योंकि हमें एक लोकेशन पता चली जहाँ पे येलो रूम मिलता है। तो मैंने भी डिसाइड करा क्यों ना आप भाई लोगों के साथ हम ये लोकेशन शेयर कर लेते हैं। ये बड़ा मॉन्यूमेंट है जो कि क्वेरी के बगल में, एंड इसका नाम हार्लो नाम से है। मतलब कुछ और भी है बट मुझे यहाँ पे वीडियो में यही दिख रहा है। सो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो वहां पे चलते हैं, एंड आप लोगों को भी हम लोग यहाँ पे बता देंगे। बट यहाँ पे जो है ना, अपने ऊपर किसी बंदे ने फायर शॉट किया, तो हम लोग उस बंदे को ढूंढने लगे एक्चुअली में वो बंदा है किधर। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, मुझे ये बंदा तो दिख चुका है बट मेरे पास है यहाँ पे मचेटी, एंड मैंने डिसाइड करा इसको मैं पहले एरो से मारने का ट्राई करता हूँ। बट ये जो है ना मेरे ऊपर फायर कर रहा था, एंड राइन भाई पीछे से आए और मचेट से जो है ना गाइस उसको क्या ही गजब तरीके का काटा। एंड जल्दी जल्दी में गाइस हम लोगों ने उसको नॉक एंड फिनिश किया। एंड फाइनली जो है ना, हमें यहाँ पे लगभग 2 SMG जो है ना बंदों को मार के मिल चुकी है। एंड राइन भाई के पास भी ऑलरेडी 1 SMG हो चुका है और मेरे पास भी यहाँ पे 1 SMG हो गया। सो उसके बाद गाइस मैंने अपने आप को हील अप किया। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड करा चलो ऐसे करते ना, यहाँ पे से हम लोग आगे निकलते हैं। सो काफी ज्यादा भाई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम येलो रूम कहाँ पे मिलेगा। सो ये आप आगे चर्च वाला एरिया देख रहे हो, सो वहां पे गाइस हमें मिलेगा येलो रूम। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एवी जाएंगे, एवी हम लोग जो है ना येलो रूम कर देंगे। बट नहीं गाइस, येलो रूम करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पे गाइस इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं, सबसे पहले तो हमें यही जगह क्लियर करने में काफी ज्यादा टाइम लगा। एंड आप लोग देखो, मैं जैसे यहाँ पे चर्च के बगल में गया था, ये देखो ये मॉन्स्टर जो है ना राइन भाई के पीछे पड़ा हुआ है मारने के लिए। तो राइन भाई बोले नेक्सस भाई मेरे को ये बहुत गंदा मार रहा है, तुम भी जरा इसको मारो जब तक ये मेरे ऊपर एग्रो है। मैंने कहा ठीक है। तो भाई वो तो काफी गंदा फायर कर रहा है राइन भाई के ऊपर। सो हम लोगों ने डिसाइड करा कि अभी वो राइन भाई के ऊपर एग्रो है तो मैं यहाँ पे से उसको एरो से इजिली मार सकता हूँ। वैसे मेरे में 2 बुलेट्स लगा तो एक ओके गाइस मर गया। सो फाइनली ये तो मर चुका है यहाँ पे, एंड लगता है अभी अपना ये चर्च वाला एरिया भी लगभग क्लियर हो गया है। तो चलो यार फटाफट से ऐसे करते ना, हम लोग अंदर चलते हैं एंड फटाक से गाइस हम लोग जो है ना येलो रूम करके आते हैं एंड देखते हैं गाइस येलो रूम पे अपने को क्या मिलता है। वैसे हम लोगों ने येलो रूम किया था बट वहां से जो है ना गाइस अपने को हैंडमेड भी मिला, C4 भी मिला, इवन SMG। तो अभी मेरे को रेड रूम ढूंढना है, रेड रूम कहाँ मिलेगा। हम लोगों ने गाइस काफी ज्यादा जगह एक्सप्लोर किया बट हमें जो है ना अभी तक रेड रूम नहीं मिला। तो चलो यार चलते हैं अंदर। अभी तक तो मेरे को यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहे हैं, बट जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ पे से ऊपर गए ना, मैंने देखा भाई यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं एंड ये सारे के सारे मेरे ऊपर फायर करने लगे। तो इनको बिना मारे तो हम लोग येलो रूम नहीं कर सकते। तो अभी जो है ना गाइस, सबसे पहले तो इनको अपने को मारना पड़ेगा। यार यहाँ पे इस गेम पे ना बो एंड एरोस चलाने का अलग ही स्वैग है। मतलब बो एंड एरोस चलाने में गाइस इतना मजा आता है ना, अब क्या ही बताऊं मैं। राइन भाई जो है ना गाइस यहाँ पे SMG चलाने लगे एंड मैं तो यार बो एंड एरो से इनको मारने में लगा हुआ हूं। लगभग गाइस अगर एक हेडशॉट पड़ा तो वो मॉन्स्टर जो है ना एक हेडशॉट में खत्म। तो लगभग यहाँ पे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, बस एक बचा हुआ है। ओ भाई उसने मेरे को मारा, ठीक है आने दो। ओके भाई नहीं गया, अब गया। ओके गाइस यहाँ पे ये गया। तो फाइनली अभी जो है ना हम लोग जैसी गाइस येलो रूम के साइड गए तो लगता है यहाँ पे बंदे को ने जो है ना मॉन्स्टर की फायर की आवाज सुन ली थी। तो जैसी गाइस हम लोग येलो रूम के तरफ गए एंड एक बंदा जो है ना अपने को मारने आया, वो भी SMG लेके। एंड देखो गाइस उस बंदे के साथ जो है ना अपन लोगों ने क्या ही गजब का स्कैम करा। मतलब आप लोगों को भी देख के गाइस काफी ज्यादा मजा आएगा। मतलब अभी जो है ना गाइस हम लोग इस गेम पे एकदम कसाई बने हुए हैं, बड़ी बड़ी तलवार लेके जाते हैं एंड बंदों को काट के आते हैं, उनसे जो है ना उनका SMG ढूंढ के आते हैं। तो चलो गाइस अभी यहाँ पे मैं मेडिकेट उठा लेता हूँ, मेडिकेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस देखो ये रहा येलो रूम एंड यहाँ पे अभी लूट भी है बट यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, सबसे पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो करते हैं, किधर है? ओके ये रहा, लगा उसमें से स्टैट्यू का, पूरा खत्म कर दूंगा। तो ठीक है गाइस इसको यहाँ पे हम लोगों ने इजिली मार दिया है।
तो मैं जैसे गाइस यहाँ पे रूम चेकआउट कर रहा था, खोलने की प्लानिंग थी, एंड तब तक जो है ना यहाँ पे एक बंदा आया भाई, उसने मेरे को मारा। लुक जा बेटा, ले बेटा कट, सीधा दो हेडशॉट एंड कहानी खत्म उसकी। एंड इससे भी जो है ना गाइस अपने पास हो चुकी है अभी 3 SMG, देख रहे हो भाई, गजब सीन। फिर उसके बाद गाइस मैं अपने बेस में गया, क्योंकि अपने पास जो येलो कार्ड था वो ऑलरेडी यूज था, सो वहां से मैं कार्ड लेके आया। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ये डोर को ओपन करा, वेपन बॉक्स देखते हैं गाइस, इस वेपन बॉक्स से अपने को क्या मिलता है। वैसे इस बारी तो अपने को ओनली डायनामाइट ट्यूब्स मिली, जिससे हम लोग डायनामाइट्स बनाएंगे, एंड गन्स वगैरह तो नहीं मिला। बट कोई नहीं गाइस, कभी लक होता है अपने को गन्स मिलेगा, कभी लक होता है अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, बट इस बारी जो है ना गाइस अपने को कुछ खास नहीं मिला। तो अभी जो है ना, अब लोग फटाफट से यहाँ पे से निकलते हैं। सो जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ पे से जा रहे थे ना, तो जैसे ही हम लोग अपने बेस पहुंचे तब तक यहाँ पे आ चुका था ड्रॉप। एंड हम लोगों की प्लान था कि इस बारी तो मैं ड्रॉप लेके आएंगे ही, एंड देखो गाइस अपने पास SMG वो भी पहली बार। बट मैं सीधा जो है ना गाइस डायरेक्ट ड्रॉप में गया, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं, तो इन मॉन्स्टर्स को मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। तो गया भाई, ये वाला मॉन्स्टर जो है ना काफी गंदा है, मतलब जो आग फेंकता है, देख रहे हो स्प्लिट कर रहा है। कहीं राइन भाई को ना मार दे, राइन भाई का गाइस यहाँ पे कॉल कट गया ना, तो उनका नेट भी अटक गया। बट कोई नहीं गाइस, मैं दोबारा कॉल कर दूंगा उनको, उनका नेट भी चल जाएगा। तो फाइनली गाइस कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे राइन भाई को कॉल करा, एंड उसके बाद हम लोग ने प्लान किया यहाँ पे हम लोग काफी गजब तरीके की कैंपिंग करेंगे। अगर बंदा भी आएगा तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं से इजीली मार देंगे भाई। कभी हम इधर बैठते, कभी उधर बैठते, कभी छत में बैठते, बट यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आया। एंड हम लोगों ने फटाफट से ड्रॉप ओपन किया, एंड हम लोग लूट के इजीली भाग गए। बट इस बारी जो है ना गाइस यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं मिला, ओनली SMG मिला, बट ठीक है गाइस कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद यार हम लोग फटाफट से पहुंचे अपने बेस में, एंड सारे का सारा लूट रखा हमने अपने बेस में। और उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे आए एक और नया मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करने, बट यहाँ पे जो है गाइस दो बंदे ऑलरेडी थे, एक बंदा घोड़े में था। तो जब मैं जो है ना घोड़े में था, वो अपने को मारने आ रहा था, तो जैसे उसने दो बंदे को देखा, जिस बंदे के पास मेन लूट था वो तो ऑलरेडी भाग चुका था, बट यहाँ पे अपने को एक बंदा दिखा, उसके पास भी SMG था और मेरे पास भी SMG। तो अब जो है ना गाइस काफी गलत सीन होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था यार, इसको खोलने के बाद जो अपना फुटस्टेप्स है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, मतलब बंदा चलता नहीं है। बट लकीली गाइस यहाँ पे जो है ना उसके पास आर्मर था ना मेरे पास आर्मर, तो उसके में जो है ना अपनी दो बुलेट लगी, वो नॉक एंड फिनिश। तो राइन भाई यहाँ पे लूट वगैरह उठाने लगे, एंड मैं जो है ना गाइस अपने आप को हील अप करने लगा। हील अप करने के बाद जो है यहाँ पे अपने को एक और ग्रीन रूम मिला, तो देखते हैं गाइस यहाँ पे अपने को क्या मिलता है। ऑलरेडी अपने को येलो कार्ड तो मिल चुका है, सबसे पहले तो मैं ये लूट उठा लेता हूँ। तो ये देख रहे हो गाइस जो आप लोगों को येलो रेड कलर की रोब्स दिखा था, ये भी गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना डायनामाइट्स बनाने के लिए। तो ठीक है, अपन लोग फटाफट से यहाँ पे निकलते हैं, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग और घूम रहे थे, एंड फाइनली यहाँ पे अपने को देखो क्या मिला, डिसमेंटल। वैसे गाइस हम लोग अपने बेस में भी डिसमेंटल बना सकते हैं, बट अभी अपने पास इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग डिसमेंटल की रेसिपी अनलॉक करें। सो हम लोगों ने डिसाइड करा अपन को, चलो ठीक है यार डिसमेंटल मिल गया याले मॉन्यूमेंट में, सो हम लोग यहाँ पे अपना जितना भी वेस्ट वाला मटेरियल है वो इजिली डिसमेंटल कर लेंगे। तो मैं भी डालता हूँ, एंड जब तक अपना सामान वगैरह डिसमेंटल हो रहा है, सो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने लूट वगैरह किया, काफी अच्छा सामान वगैरह कलेक्ट कर लिया था। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे से निकले। अब ये वीडियो जो है ना गाइस वो नेक्स्ट डे का है, एंड रात को जो है ना अपना बेस यहाँ पे रेड हो चुका था, एंड हम लोगों ने डिसाइड करा अपना बेस जो है ना थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करेंगे। बट यहाँ पे जो है ना गाइस जितना भी बॉम्ब्स वगैरह अपने सेफ में रखा हुआ था, जिसमें एमरल्स रखे हुए हैं, तो वो लूट अपना सेफ था, बाकी जितना भी अपना लूट था जो कि बॉक्सेस में था वो गया। बट अपना गाइस बॉम्ब्स था, जितना भी गन्स बनाने के कंपोनेंट्स थे वो सेफ थे। तो हम लोगों ने डिसाइड करा यार जितना भी बॉम्ब्स है वो अपने पास रख के क्या फायदा है अगर हम लोग रेड ना करें। तो राइन भाई और मैंने डिसाइड करा, चलो यार ऐसे कर देना, फटाफट से बॉम्ब लेके चलते हैं और बंदों के बेस यहाँ पे हम लोग रेड कर देंगे। ओके गाइस यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, वैसे मुझे लग रहा है कि ये बेस ऑलरेडी रेड है। तो राइन भाई से मैंने बात की क्या करना है, रेड मारे या ना मारे। तो राइन भाई ने बोला एक्चुअली में रेड मार के देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो बढ़िया है, अगर नहीं भी मिला तो भी बढ़िया, एटलीस्ट हम लोग मजे तो कर रहे हैं। मैंने कहा ये बातें तो फिर तो यार भाई लगाओ बॉम्ब, देख ही जाएगा। तो उसके बाद जो है ना गाइस यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करा, चलो इसको ऊपर से रेड करते हैं, दो स्टिकी डायनामाइट लगाए, एंड ये जो है ना इजीली बूम बम फूट गया। नहीं यार
वुडन की सीलिंग में गाइज लगभग 4 स्टिकी बॉम्ब लगेंगे। तो हम लोगों ने गाइज जैसे ही इसका सीलिंग तोड़ा, उसके बाद हमें पता चला यार इसका जो आयरन का सेक्शन है ना वो पूरे का पूरा डिके हो रखा है और एक एक हैंडमेड में पूरे का पूरा आयरन का डोर उड़ रहा है। भाई गलती सीन है, मतलब इसको रेड कौन किया कुछ इस तरीके से। एक स्टिकी बॉम्ब में टूटेगा देखो। तो यहां पे जो है ना गाइस एक स्टिकी बॉम्ब पे टूट चुका था बट राइन भाई ने 2 लगा दिए उसमें। तो यार गजब सीन है। चलो गाइस ये तो इसका हेल्थ तो काफी कम है भाई, कैसे एक स्टिकी बॉम्ब पे इजीली टूट जाएगा वो। मैंने कहा मैं तो बाहर निकलता हूं, राइन भाई को यहां पे स्टिकी बॉम्ब लगाने दो। ओके टूटा। तो जैसे गाइस हम लोग यहां पे पहुंचे ना तो मेरे को लग गया था, मैंने राइन भाई से बोला राइन भाई लगता है इसका बेस ना ऑलरेडी कोई बंदा रेड मार दिया है, तो फायदा कुछ नहीं है। सो राइन भाई बोलने लगे भाई इतना रेड मार दिया है तो 2-4 डोर और तोड़ के देख लेते हैं, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, कुछ नहीं मिलता तो भी ठीक है। मैंने कहा फिर तो यार अब क्या बोले, लगाओ फटाफट से। तो चलो गाइस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो इस गेम पे गाइस ये सीन है, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट डे रूल सर्वाइवल में रेड मारी होगी, अगर आप लोग डोर में लगाते तो डैमेज जो है ना अगल बगल वाली वॉल को भी जाता है। इसमें गाइस अलग सीन है, जिस वॉल में आप लोग डैमेज स्टिक बॉम्ब लगाओगे डैमेज उसी में जाएगा। ये रहा देखो बंदा जिसका बेस था, तो मारते हैं फटाफट से इसको। ओके गाइस यहाँ पे मारा, लगता है मेन लूट रूम जो है ना उसका इधर ही है। ओ भाई कुछ नहीं है इधर, अब एक डोर बचा हुआ है ये हाला, इधर ही गाइस मुझे लगता है इसका लूट होगा। भाई इसकी किस्मत भी काफी ज्यादा खराब है, पहले तो कोई बंदा और रेड मारा है एंड अभी जो है ना गाइस इसको हम रेड मार दिए। सो जैसी गाइस मैंने यहाँ पे देखा भाई इसका सेफ ये है, तो इसको पहले ऑलरेडी किसी ने रेड मारा है। राइन भाई बोले क्या करें इस पे लगाएं, मैंने कहा राइन भाई ये तो बाहर जाने का रास्ता होगा, बट राइन भाई ने बोला चलो यार लगा ही देते हैं। मैंने कहा ठीक है लगाओ यार जैसे करना है। तो ओके गाइस ये तो बाहर जाने का रास्ता है, ऐसे करते हैं ना अभी हम लोग निकलते हैं बाहर, बट इसके बगल में गाइस एक बड़ा बेस है तो चलते हैं फटाफट से एंड उसको रेड करते हैं। ये रहा देखो, लगता है ये नया बेस था, मे बी इसके टीममेट का रहा होगा, तो डेफिनेटली उस वाले बेस में भी लूट तो 100% होगा। तो लेट्स गो गाइस अभी जो है ना हम लोग करते हैं इस वाले को रेड। ठीक है भाई हिरन गोली से भून दूंगा, भग जाओ यहां पे से। भाई गधा भी है यहां पे, तो डेफिनेटली यार इसके बेस में मेरे को लूट रख रहा है, बट इसके गधे की हेल्थ यार फुल है, तो ये गधा जो है ना अब मेरा हुआ। तो राइन भाई पूछ रहे थे नेक्सस भाई क्या करें, मैंने कहा कर दो इसको रेड तो इजीली हो जाएगा। तो यहां पे जो है ना गाइस वुडन डोर जो है लगभग 2 स्टिकी बॉम्ब पे टूटता है, एंड स्टोन का डोर लगभग कितने में टूटेगा, 1 लगाया 2 लगाया, देखते हैं गाइस कितने में टूटता है। स्टोन का डोर भी गाइस 3 स्टिकी बॉम्ब पे, वुडन का डोर 2 में, स्टोन का डोर 3 में, और आयरन का डेफिनेटली 4 में या फिर 5 में टूटेगा। भाई इधर डेफिनेटली लगता है लूट होगा, फर्नेस में तो कुछ है नहीं, एंड यहां पे इसके बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस में देखते हैं गाइस बॉक्सेस से अपने को क्या मिलता है। बंदा लेटा हुआ शॉटगन मारूंगा, तो देख रहे हो गाइस शॉटगन का डैमेज यार नल्ली शॉटगन है, डैमेज ही नहीं आता लगभग 18-18 का। भाई आपके पास शॉटगन है ना एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग प्रोजेक्ट ईवो में जाकर शॉटगन से जो है ना इजिली बंदे को टपका सकते हैं, तो यार ये सबसे बड़ी गलती है, उससे अच्छा तो यार आप लोग जो है ना क्रॉसबो यूज कर लो। तो अभी जो है ना गाइस यहाँ पे बॉक्सेस थे एंड हम लोगों ने डिसाइड करा चलो बॉक्सेस को तोड़ते हैं। ओके भाई कुछ कुछ बॉक्सेस यार टूटते नहीं है, ये काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है। जैसे कि हम लोगों को 1-2 बेस मिले थे जो कि रेडेड थे एंड वहां पे उसके स्टोरेज बॉक्सेस थे, तो हम लोगों ने प्लान किया चलो इसको तोड़ते हैं, बट यहाँ पे नहीं टूटे और यहाँ पे जो है ना गाइस हम लोगों ने सारा का सारा तोड़ दिया। भाई खाने का सामान मिल गया, मजा आ गया। तो ठीक है यार यहाँ पे हम लोगों ने इसके बेस को तो उड़ा दिया है, तो इसका टीसी देखते हैं, जो सेफ है उससे हम लोग को एम्ब्रल चाहिए, तो डेफिनेटली वो इसके अंदर होगा, पहले इसका बैग तोड़ूं। तो ठीक है यार टूट गया इसका बैग,
राइन भाई को देख रहे हो, खाना उठाने में कितना फोकस्ड है। सब छूट जाए बट खाना नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यार अगर खाना खत्म हो गया ना, हेल्थ अपना लिटरली काफी ज्यादा ज्यादा गिरता है। तो चलिए गाइस अभी जो है ना वो डोर तोड़ते हैं। ओके भाई हेल्थ काफी है, दो स्टिकी बॉम्ब लगेंगे। तो ओके गाइस यहां पे देखो एम्ब्रल्स है, डेफिनेटली एक होगा। तो इसके अंदर का तो लूट गाइस हमें मिलेगा नहीं, एंड जो एम्ब्रल्स था वो राइन भाई ने ऑलरेडी उठा लिया है। एंड ऊपर भी गाइस यहाँ पे डोर है, तो मुझे तो लगता है डेफिनेटली ऊपर भी इसका लूट होगा। तो राइन भाई जो है ना फटाफट से वहाँ पे बॉम्ब लगाएंगे और हम लोग जो है ना गाइस ऊपर चल के देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, अभी दो बॉम्ब्स और लगेंगे। ठीक है अब चलते हैं गाइस। भाई नीचे गिर गया, अभी ऊपर निकलना पड़ेगा। तो यार ऊपर जो है ना यहाँ पे कुछ था नहीं, एंड यहाँ पे भी गाइज मुझे लगता नहीं है ऊपर कुछ है। तो चलो गाइज अभी जो है ना फटाफट से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एंड आज जो है ना गाइज हमें थोड़ी सी तैयारी करनी है, क्योंकि अपना प्लान है थोड़ा सा बड़ा बेस को रेट मारने का, जिसमें हम लोगों को काफी ज्यादा मजा है। एंड अभी जो है ना गाइज हम लोग वो तैयारी वगैरह करते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते गाइस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आप लोग बताना जरूर यार प्रोजेक्ट इवो के और एपिसोड्स आपको चाहिए। एंड मैं तो सोच रहा हूँ गाइस एक एपिसोड को थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाए, जिसमें हम लोग पूरा मैप को एक्सप्लोर करेंगे। एंड आप लोगों को अभी हम लोग बताने वाले कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पे हम लोगों को मिलेगी। सो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट।